जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। तू अर्चु कहाँ जा रही? अरे मैं, मुझे मानव का पता मिल गया, मैं उन्हें ढूंढने जा रही। मानव का पता चल गया? कहाँ है वो, कैसे है? वो नवी मुंबई में, मैं उन्हें ढूंढ कर लाती। अरे अर्चु, इन सब बातों का तुझे कैसे पता चला? बाबा उन सारी बातों का वक्त नहीं, मैं बाद में बताऊंगी, मुझे मानव को ढूंढ। अरे तू अकेली कैसे जाएगी, हम भी तो चलते ना इसके साथ। हाँ चलो चल। सुलोचना ताई, आप अर्जु को समझाइए ना, मानव के लापता होने का दुख हम सभी को है, लेकिन इस प्रकार टेंशन लेकर मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं बात करती हूँ। अर्जु, तुझे पता है ना मानव कहाँ है? हाँ ही, मुझे पता है। अरे लेकिन बेटा, इस नए शहर में नई गली नए रास्ते, अकेली तू कहाँ ढूंढेगी मानव को? मुझे नहीं पता, मैं किसी भी तरह मानव को ढूंढ लूंगी। मैं देख अर्चु, ये भी हो सकता है था कि सविता ताई की सहेली ने किसी और को देखा होगा। हाँ। और उन्हें गलतफहमी हुई हो, कल अगर किसी ने कहा कि हमने मानव को किसी और शहर में देखा है तो तू क्या वहां जाएगी? देखा ही, अगर तुम लोगों को नहीं आना है तो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं अकेले अपने मानव को ढूंढ सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ताई ऐसा नहीं है ताई, देख हम सब चाहते हैं कि मानव जी जो जल्द से जल्द मिल जाए। देख हम सब तेरे साथ आते हैं, तू जहाँ जाएगी वहाँ हम तेरे साथ ढूंढेंगे। हाँ ताई, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। ताई, मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। ताई प्लीज मुझे।
मैं ताई को इस हालत में नहीं देख सकती। मैंने इतना परेशान उसे पहले कभी नहीं देखा है वैशु। तू सच कह रही है ताई, देखना मानव जीजू भी, और उन्होंने हमें पता है भी नहीं, वो कहाँ चले गए? आज तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है हमारे साथ, फिर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखना अर्चु ताई, कैसे हो गए है वो? पूरा शहर छान मारा, लेकिन मानव का कहीं पता नहीं चला। नवी मुंबई में मानव कहीं ना कहीं तो दिखाई देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया वो। मुझे नहीं लगता वो नवी मुंबई में है। अरे बाप रे, अभी मैं सुमन के घर जाके उसका कान पकड़ के पूछती हूँ, क्यों तूने गलत खबर दी मुझे? मानव का कुछ पता चला? नहीं, हमने बहुत जगह ढूंढा उसे, लेकिन हमें भी कहीं से पता नहीं मिला उसका। क्या क्या हुआ आई? नहीं मिला, कहीं पता नहीं चला। अब कहाँ गया होगा वो? मानव का कुछ पता चला? नहीं दादा। आई ताई कुठे? अरे हो, ताई कहाँ है? मानव का कहीं पता नहीं चला, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार क्यों मानूंगी? मैं अपने मानव को कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मानव आ जाएंगे। मैं पूरा मुंबई ढूंढ लूंगी और अपने मानव को अपने पास लेकर आऊंगी। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति हमें अलग नहीं कर सकते। जिंदगी जीने का नाम है अर्चना, उसके लिए इससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी
ये देखो अब तक इसी कमरे में बैठी हुई है। क्या अर्चना, क्या कर रही हो अपने साथ? कब तक इस तरह अपने आप को बंद करके रखोगी? जरा बाहर देखो, कितना प्यारा मौसम है। ए, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। और अर्चना, तुम्हारा मन भी तो बहल जाएगा। हाँ ताई, चलना चलते। अब कहाँ जाना है ये तू डिसाइड कर। हाँ ताई, बता कहाँ जाना है तुझे? नवी मुंबई। नवी मुंबई? लेकिन नवी मुंबई में क्या है? मानव। क्या कुसुर पुसुर चल रही है? लो चाय लो। कहाँ जाने की बातें हो रही है? नवी मुंबई। मैं मानव को ढूंढने जा रही हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि आज मानव मुझे मिलने वाले, मैं जाकर। अरे बेटा मेरी बात सुनना, कल हम सब वहाँ जाकर ढूंढ कर आए, मिला क्या मानव? फिर आज फिर से जाके मतलब क्या है? मतलब है आई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज मुझे मेरे मानव मिलने वाले। मैं चलती हूँ। बेटा सुन, अकेली मत जा, मैं तेरे साथ आती हूँ। अब यही रही, आप यहाँ सच्चू का ख्याल रखिए, उसके पास हम दोनों में से कोई एक का होना बहुत जरूरी। आप चिंता मत कीजिए, मैं मानव को लेकर आऊंगी। ताई रुक, हम भी आ रहे हैं। काकी हम जाते हैं। जा जा, अकेली को मत छोड़ना। कहाँ जा रही है तू, और वो भी अकेले? भाई वो मैं, चुप, कहीं नहीं जाएगी। पिछले 3-4 हफ्तों से मैं देख रही हूँ तू रोज उठकर नवी मुंबई जाती है, मानो को पागलों की तरह ढूंढती है और निराश होकर वापस आती है। मानव नवी मुंबई में नहीं है अर्जुन, समझ ले ये बात। ये बात तू समझ नहीं रही है, ये समझना नहीं चाहती है। हालत बना के रखी अपनी। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे किसी भी हाल में मेरे मानव को ढूंढना है और मैं ढूंढ निकालूंगी। मैं जा रही हूँ मानव। अर्जु, अर्जु कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आई प्लीज ऐसा मत करना। भाई मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती, तेरे पांव पड़ती हूँ। मुझे मेरे मानव को ढूंढना है। तुझे मुझ पे भरोसा है ना? मैं मानव को किसी भी तरह ढूंढ कर रहूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, एक बार उन्हें देख लूंगी, नहीं तो तसल्ली हो जाएगी। फिर मैं कभी जिद नहीं करूंगी। अर्जुन, मुझे मेरे मानव को। अर्जुन होश में आ। क्या पागल बने अर्जुन, मानव वहां नहीं है, यही सच्चाई है अर्जुन, और मानव ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा। देख, तेरे चाहने से मानव नहीं आएगा अर्जुन, जब मानव चाहेगा ना तभी वो आएगा। इस सच्चाई को तुझे स्वीकार करने पड़ेगा, तब तक तो तुझे अपने आप को संभालना होगा, उसका इंतजार करना होगा बेटा।
क्या कर रहे हो आई? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं अपने मानव का, कब से आई कब से, लेकिन वो आते ही नहीं आए। मुझे क्यों छोड़ के चले गए मानव, क्यों छोड़ के चले गए? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे मानव, ऐसी क्या गलती हो गई आई? डाइवोर्सी की बेटी है ना, पापा का साथ ना होना बेचारे के लिए परेशानी की वजह बन गया। अरे बच्चे तो छोड़ो, बड़ों का व्यवहार भी इसके लिए बहुत अच्छा नहीं था। तुम चाहे कुछ भी कहो मानो, मैं यहाँ सिर्फ एक खास मकसद से आया था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना एहसास दिलाना चाहता था कि जब अपने अपनों से टूटते हैं तो कितना दर्द होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने आप लोगों का क्रेडिट टाइम बढ़ा दिया। इससे पहले आप लोगों को पेमेंट चुकाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी जाती थी, अब वही मोहलत बढ़ाकर 6 महीने की कर दी गई। डिवोर्स पेपर्स। एक्सक्यूज मी, आप लोग थोड़ी देर के लिए वीआईपी रूम में जाएंगे प्लीज? ये कौन सा तरीका है? इस तरह 4 लोगों के बीच में आकर ये नाटक किस लिए? ये नाटक नहीं है धर्मेश, यही सच्चाई है। ये डिवोर्स पेपर्स। बहुत सोचा मैं, और कुछ ज्यादा ही वक्त लिया मैंने सोचने के लिए, लेकिन इतना सोचने के बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, इसलिए डिवोर्स पेपर्स पर मैं साइन करके आई हूँ। पिछले कुछ दिनों से तुम जो नाटक कर रहे थे ना, तुम्हें पता है कुछ देर के लिए मुझे वो सब सच लगने लगा था। मुझे लगने लगा था धर्मेश शायद बदल चुका है, लेकिन मैं भूल गई थी तुम धर्मेश हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। निस्वार्थ के लिए, अपने बदले के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो धर्मेश, तुम जानते थे ना, तुम जानते थे ना अर्जुन की यह हालत है। तुम अगर चाहते तो उसके बच्चे की जान बचा सकते थे धर्मेश, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं भूल गई थी कि तुम धर्मेश हो। तुम्हारी नीयत अब मेरे सामने आ गई है धर्मेश। वैशु, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वैशाली, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, उस गलती की वजह तुम। मैं? हाँ वैशु, कितने टाइम तक मैंने तुम्हारे जवाब का इंतजार किया, लेकिन तुमने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था, मेरा धीरज छूटता जा रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था तुम पर।
और वही गुस्सा उस दिन मानव पर उतर गया, क्योंकि मानव भी तो उस शख्स है ना जिसकी वजह से हम दोनों अलग हुए। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि आज तक तुमने अपनी जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं उन सबकी जिम्मेदार मैं है ना? तो ठीक है, मैं हूँ इन सबकी जिम्मेदार, लेकिन अब तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ ना, तो प्लीज एटलीस्ट अपने डिवोर्स के बाद ऐसी गलतियां मत करना। भैशु प्लीज तुम ऐसा मत करो। देखो अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं फिर से गुस्से में कोई गलत कदम। ये जो तुमने भी कहा ना, यही है तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हें डिवोर्स दूं या ना दूं, इन सब चीजों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, तुमने कोई भी चीज गुस्से में नहीं की है धर्मेश, तुम सारी चीजें जानबूझ के करते हो। पार्टी में भी तुम जानबूझ के आए थे ना। प्लीज धर्मेश, अपना ये झूठा दिखावा बंद करो। वैशाली, पार्टी में मैं तुमसे मिलने आया था। वैशाली, मुझे तो मालूम नहीं था वहाँ पार्टी है। मैं तो घर पर आया लेकिन तुम वहाँ नहीं थी तो। प्लीज धर्मेश, प्लीज तुम घर पर आए, मैं घर पर नहीं थी। ये सारी तुम्हारी दलील है, ये सारी बकवास मुझे नहीं सुननी। मैंने फैसला ले लिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वैशाली प्लीज तुम ऐसा मत करो। देखो मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें क्या लगा इन पेपर्स पर साइन करके तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि तुमने जिन पेपर्स पर साइन किए हैं वो नकली है। ओरिजिनल पेपर्स तो ना कभी मैंने तुम्हें दिए थे ना कभी दूंगा। मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है विषय, मगर मच्छ की जात है मेरी, एक बार जो मेरे चंगुल में आ जाता है छूटे से नहीं छूटता, और तुम मेरे चंगुल में आ चुकी हो। अब मैं तुम्हारे सारे रास्ते इस तरह बंद कर दूंगा कि तुम्हें छक मारकर मेरे पास आना ही पड़ेगा, और अब तो तुम्हारे पास कोई ऐसा भी नहीं है जिससे तुम मदद मांग सको। तुम्हारा वो मसीहा मानव वो तो पता नहीं कहां अपना मुंह छुपाए बैठा है। तुम्हारी बहन अर्चना वो तो अपने दुख से ही इतनी दुखी है कि अपने आंसुओं के पार आकर उसे और किसी के आंसू नजर ही नहीं आए। सतीश बर्बाद हो चुका है, अब ऐसा कोई भी नहीं है वैशाली जो तुम्हारी मदद के लिए सामने आए। तुम्हारे और मेरे डिवोर्स पेपर्स, खुशी दुख पर आकर खत्म होती है। ऐसा क्या किया है मैंने जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? बोलिए ना, ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी सच्चे दिल से पूजा की, कभी कुछ ज्यादा नहीं मांगा आपसे,
सिर्फ एक एक अच्छा घर, एक प्यारे से पति और इस पति के साथ जुड़ी खुशियां, यही मांगा था ना मैंने आपसे। क्या मेरी मांग इतनी बड़ी थी कि आप उसे पूरी नहीं कर पाए बापा? मेरी जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, आज भी नहीं करूंगी। उल्टा मैं ये कहने आई हूं कि आपको मेरी जो भी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, मैं आपकी हर परीक्षा में खरी उतर कर दिखाऊंगी और मैं अपने मानव का इंतजार करूंगी, लेकिन कभी हाथ फैलाकर आपके सामने भीख नहीं मांगूंगी। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, शायद मैं आपका अच्छा भक्त नहीं बन पाया, आप ही का क्यों? मुझसे प्यार करने वाले हर एक शख्स का मैं गुनहगार हूं, लेकिन ये सब क्यों हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। थक गया था मैं इम्तिहान दे दे देते, सवालों के उस भंवर से बाहर निकलना चाहता था, और आज आपकी कृपा से मैं वहां तक पहुंचा हूं। आज मैं अपनी हर गलती सुधारूंगा बप्पा, जिस जिसके साथ मैंने जाने अनजाने में अन्याय किया है उन सबके सामने जाकर माफी मांगूंगा, खास करके अर्चना से। बहुत बर्दाश्त किया होगा बिचारी ने, पता नहीं कैसे रही होगी मेरे बगैर। खैर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, और इस नई जिंदगी में अब मुझे अपनी अर्चना को शामिल करना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए बप्पा। Thank you.
दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार।